आज मैं बताऊंगी मटन करी होली स्पेशल। चलिए स्टार्ट करते बनाना, देखिए कितना बढ़िया से बन के आया। झटपट से बनाऊंगी मैं आज। और ये देखिए बनाना स्टार्ट करते। मैंने मटन को धो लिया है, 500 ग्राम मटन है, धो के अच्छे से रख लिया है। उसमें मैंने देखिए खड़े गरम मसाले हैं, इसे मैं डाल रही हूँ इसमें। और साथ में ये बताऊंगी कि इस टू टाइप मटन करी है, तो इसे भी आप एक बार ज़रूर बनाएं। ये देखिए सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, और खड़े जो मसाले थे उसे अच्छी तरीके से इसमें कूट कर मिक्स कर दिया है। तो आप भी इसी तरीके से डालें। हल्दी डाला है 1 चम्मच के आसपास, खड़े गरम मसाले तो डाले ही थे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में मैं डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, उससे कलर बहुत बढ़िया से आएंगे। ये देखिए ये सारे डाल दिए हैं मैंने, जीरा पाउडर। और ये लहसुन को कलियां निकाल करके अच्छे से छील लिया है, छीलकर इसमें मिक्स किया है मैंने। और ये मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए 1 चम्मच बड़ा चम्मच है, इसमें डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल। इससे बनाने से बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। चॉप करके रखा हुआ था अनियन, उसे भी इसमें मिक्स कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट भी डाले हैं, नमक स्वाद अनुसार डाला है। और इसको अच्छी तरीके से हाथ से मेरीनेट करके छोड़ देना है कम से कम 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये बहुत अच्छे से बनते हैं, इसी तरीके से आप भी बनाइए। तो ये देखिए इसको मैंने मेरीनेशन होने के लिए छोड़ दिया है। ये मेरीनेट हो रहे हैं जब तक, पैन गर्म कर लिया है मैंने, और ये 2 घंटे के बाद बनाना स्टार्ट किया है। जस्ट नहीं बनाया, ये बे लीफ दिया है साथ में, और जो मैंने मेरीनेट करके रखा था सारा मटन इसमें मिक्स कर दिया है। एक एक पीस में अच्छी तरीके से हमारे मसाले कोट हो गए हैं। फिर से मैंने इसे मस्टर्ड ऑयल डाला है 1 बड़ा चम्मच, और हाई फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट रखना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे। फिर इसका लिड बंद कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे होने के बाद ये देखिए इसमें से कितना पानी रिलीज हुआ है। मैंने पानी नहीं डाला था, सारा पानी मटन से ही निकले हैं। और इस तरीके से बनाने से अच्छा टेस्ट आता है। अब इसका लिड नहीं बंद करना है, प्रेशर कुकर नहीं लगाना है, ऐसे नॉर्मल सा इसका लिड लगा के हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेनी। आप चाहो तो इस स्टेज पे भी खा सकते हो, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। पराठों के साथ, चपाती के साथ इसे भी यूज कर सकते हो, पर मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ तो मैं इस स्टेज पे गर्म पानी डालूँगी। और हाँ, इसको आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत कोई खाते हैं इस तरीके से भी, इसलिए मैंने बता दिया। ये देखिए मैंने गर्म पानी डाला है इसमें, क्योंकि मुझे चाहिए ग्रेवी वाली। इसमें उबाल आने लगे हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और इन्जॉय कीजिए आज का मटन करी आप।